दीपावली के अवसर पर दिल्ली एनसीआर में सरकार ने पटाखे बेचने और फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पटाखे फोड़ने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बढ़ाना चौक पर देखने को मिला, जब दो युवक यूट्यूब में देखकर पटाखा फोड़ने का उपकरण बना रहे थे, जिसमें उन्होंने पोटाशियम और सल्फर डाला, लेकिन पटाखे फोड़ने के उपकरण में ब्लास्ट हो गया। इसके चलते पटाखे का उपकरण बना रहे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में लाया गया, लेकिन एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तस्वीरों में घायल दिखाई दे रहे ये वही युवक हैं जो फरीदाबाद के भड़ाना चौक पर पटाखा फोड़ने का उपकरण बना रहे थे। युवकों के अनुसार उन्होंने पटाखा फोड़ने का उपकरण एक YouTube वीडियो पर देखा था, जिसे देख कर वे उसे बना रहे थे, जिसमें उन्होंने गंधक और पोटेशियम डाली थी, जिसमें वे ठोक रहे थे। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। बता दें कि इस धमाके से अजय नाम के युवक के उल्टे हाथ की लगभग पांचों उंगलियां उड़ गई और शरीर पर कई गहरी चोटें आ गई हैं। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।